ग्वारेरी महला पंजवा अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बंद लक खरे जे तंदे में ओए लपटाए उन ते दुगुण जड़ी उन माए ओ बेला कछ चीत न आवे बिन सजाए ताहू लपटावे रहाओ आसा बंदी मूर्ख दे काम क्रोध लपटे वसने श्री ऊपर ठाडो धर्म राए मीठी कर कर बिखिया खाए हों बंदों हों साधों बैर हमरी भूम कौन कहले पैर हों पंडित हों चतुर सियाणा करण हार न बुझे बिगाना अपनी गत मित आपे जाने क्या को कह के आख वखाने जित जित लावें तित तित लगना अपना भला सब काहू मंगना सब कुछ तेरा तू करने हार अंत नाही किछ पारा वार दास अपने को दीजे दान कबहू न बिसरे नानक नाम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह समय समय साडे वर्ताओ नूं सुभाह नूं देख के ओह जी सिख्या दिंदे पातशाह साडे जीवां दीआं आदतां देख के ये फरमांदे हन कि ओ बेला कछ चीत ना आवै बिन सजाए ताहू लपटावे रहाओ ओ वेला जिस समय साडे देखदिआं देखदिआं साडे वड्डे वडेरे बजुर्ग सारी उम्र मेहनतां करके कालणा करके माया कठी करके साडे देखदिआं छड के चले गए बिन सजाए ताहू लपटावे अपनियां अखां नाल मनुख देखता है कि मेरे तो पहला मेरे वड़ वडेरे बहुत कुछ इकट्ठा करके चले गए पर इस अज्ञानी जीव नू समझ नहीं आती बिन सजाए ताहू लपटावे जिस माया ने इहदा साथ छड़ जाना उहदे नाल ही फिर लिपटदा है। ये गल आम साडे जीवन नाल वरतदी असी देखते हैं। अगले मोए से पाछे परे अगले दा मतलब है जो साडे तो पहला साडे देखते हैं साडे वड़ वडेरे इत्थे आए ते बहुत कुछ इकट्ठा करके चले गए से पाछे परे दा मतलब भुल जाते हैं उन्हां दे चले जाण दी याद भुल जांदी है। साडी इस भुल नूं सुधारन लई भगत फरीद जी ने बड़ा सुंदर कहा फरीदा किथे तेंदे मापिया जिन्नी तूं जणियो तैं पासों ओए लद गए तू अजे ना पतीण होए शेख हयाती जग न कोई थिर रहा जित आसन हम बैठे किते बैस गया पर मनुख भुल जांदा अगले मोए से पाछे परे इन्हां साडियां अखां दे सामने कितने लोग चले गए जिन्हां ने गहरी करके नीम खुदाई ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अधकाई जिन तिन धर मूड लकाए हमरो करता राम स्नेही
काहे रे नर गर्भ करत हो बिनस जाए झूठी दे अगले मोए ते पाछे परे। भाव जिहड़े साडे देखते हां साडे तो पहला इस संसार विच आए ते बड़े बड़े उन्होंने किले बनाए इमारतां बनाईयां धन इकट्ठा कीता वो मर गए पर वो भुल जांदे हन ते जो उभरे से बंद लक खरे जिहड़े हुण पिछे बचे हन वो फिर लक बन के तैयार ने। ते ये कहिंदे सुने जांदे ने कि बापू जी ते कुछ कर ही नहीं सके उन्होंने ते कुछ बनाया ही नहीं उन्होंने ते आ कमी रखी उन्होंने आ कमी हुण असी देखो की करके दिखावांगे। जे धंधे मैं ओए लपटाए जिहड़े माया कमाउण दे धंधे विच ओ लिपटे होए सन उन ते दुगण दृढ़ी उन माए। हुण जिहड़े पिछले रह गए ने पुत पोतरे उन ते उन्हां जाण वालियां तों दुगण दूणी दिड़ी पक्की करके माया नूं जफे पा लै। आख्या असीं हुण बना के दिखावांगे असीं हुण दो दियां चार करके दसांगे। ये पहले पद विच महाराज ने साडी इस दशा नूं बयान कीता। अगले मोए से पाछे परे जो उभरे से बंद लक खरे जे धंधे में ओए लपटाए उनते दुगुण दिड़ी उन माए। ओ बेला कछ चीत न आवे बिनस जाए ताहूं लपटावे। उस वेले नूं याद ही नहीं करता भई मेरे तो पहला मेरे बुजुर्ग चले गए। मनुख नूं भुलेखा लग जा। मैं एक साखी पढ़ रहा सी कि एक दिन मीह पै रहा सी एक महात्मा गली विचों लंघदे होए मीह तो बचण वास्ते किसी घर की ड्योढ़ी विच खड़े हो गए। पहले घर बनाउण दा तरीका होर सी हुण होर है। पहले सड़क दे उत्ते गली दे उत्ते ड्योढ़ी हुंदी सी अगे वेड़ा हुंदा सी ते पिछे रहण वाले मकान बनाए जांदे सन। तो पिछले मकान दे बरांडे विच एक बुजुर्ग बैठा सी जदों महात्मा ड्योढ़ी विच मीह तो भिजण तो बचण लई खड़े होए ते उस बुजुर्ग नूं जिहड़ा घर दा मालक सी जिहनूं नज़र भी थोड़ा घट आउंदा सी उन्हूं इन्ना क नज़र आया कि कोई बंदा साडे घर दी ज्योड़ी विच खड़ा होया। उन्हें उच्ची देनी आवाज़ मार के कहा भाई कौन है ये कोई मुसाफर खाना नहीं। वो महात्मा नूं बड़ा उसकी बुद्धि ते तरस आया उन्नी उच्ची आवाज़ नाल ही उसने कहा भाई मैं ते समझा मुसाफर खाना ही है। हुण किसे दे घर नूं मुसाफर खाना कहो उन्हूं चंगा ना लगा। वो उत्थों बरांडे विचों उठिया ते हौली हौली ड्योढ़ी विच आ गया ते बड़े गुस्से नाल कहण लगा की क्या ये मुसाफर खाना है। महात्मा कहण लगे हाँ भाई मैं ते समझा मुसाफर खाना। गुस्से क्यों होना है ये दस तेरे तो पहला इत्थे कौन रहिंदा सी। आंदा मेरे पिता जी। उन्हां तो पहला इत्थे कौन रहिंदा सी। कहिंदा मेरे दादा जी। वो किथे हन कहिंदा वो चले गए ने। कहिण लगा फिर मुसाफर खाना किसनूं कहिंदे हन। जिथे कोई आए तो चला जाए उन्हूं मुसाफर कहिंदे ने। ते ये मुसाफर खाना ही है। कहिण दा मतलब मनुख भुल जांदा। अगले मोए से पाछे परे जो उभरे से बंद लक खरे जे धंधे में ओए लपटाए उनते दुगुण दिड़ी उन माए। ओ बेला कछ चीत न आवे बिनस जाए ताहूं लपटावे। रहाओ आसा बंदी मूर्ख दे इस मूर्ख दी दे आसा बंदी निता प्रति उठदे अनुसार कई तरह दियां आसावां बणाउंदा।
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲਪਟਿਓ ਅਸਨੇਹ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਪਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡੋ ਧਰਮ ਰਾਏ, ਮਿੱਠੀ ਕਰ ਕਰ ਵਿਖਿਆ ਖਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਖੜ੍ਹਾ, ਤਥਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਹੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ, ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜਿਉਂ ਪਰੇ ਉਹ ਡੋਲੇ, ਮੁੱਖ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ, ਆਜ ਕਾਲ ਫੁਨ ਤੋਹ ਗ੍ਰਸ ਹੈ, ਸਮਝ ਰੱਖੋ ਚੀਤ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਜ ਲੈ ਜਾਤ ਅਵਸਰ ਬੀਤ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਠਾਡੋ ਧਰਮ ਰਾਏ, ਮਿੱਠੀ ਕਰ ਕਰ ਵਿਖਿਆ ਖਾਏ। ਇਹ ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿੱਠੀ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਉ ਬੰਦੋ ਹਉ ਸਾਧੋ ਬੈਰ, ਹਮਰੀ ਭੂਮ ਕੌਣ ਘਾਲੇ ਪੈਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ, ਹਮਰੀ ਭੂਮ ਕੌਣ ਘਾਲੇ ਪੈਰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਉ ਬੰਦੋ ਹਉ ਸਾਧੋ ਬੈਰ, ਹਮਰੀ ਭੂਮ ਕੌਣ ਘਾਲੇ ਪੈਰ। ਹਉ ਪੰਡਿਤ ਹਉ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ, ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਨ ਬੁਝੈ ਬੇਗਾਨਾ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਬੇਗਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬੇਗਿਆਨਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਬੇਗਾਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਉਪਰਾ ਪਰਾਇਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇਗਿਆਨਾ ਜੀਵ ਮੂਰਖ ਉਸ ਕਰਨਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿੱਤਿਆ ਪੇ ਜਾਣੇ, ਕਿਆ ਕੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਕ ਵਖਾਨੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਵਖਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਲਾਵੇਂ ਤਿੱਤ ਤਿੱਤ ਲੱਗਣਾ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕਾਹੂ ਮੰਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਲਾਵੇਂ ਤਿੱਤ ਲੱਗਣਾ। ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਧਰ ਇਹ ਜੀਵ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਭ ਕਾਹੂ ਮੰਗਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਮੰਗਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਦ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹਾਰ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਨਾ ਹੀ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੇ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾ ਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹਾਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤ ਨਾ ਹੀ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ
गुरु अर्जुन देव पातशाह ने एक ऐसा नक्शा खिंच के समझाया, ये साड़ी असलियत है। जे असी ध्यान पूर्वक अपने वल अपने इर्द गिर्द वल देखिए, सब कुछ एवें ही वरत रहा है। पिता दी मौत हो गई, पिता दा संस्कार हो गया, पुत्र कहंदे ने हुण असी करके दिखावांगे, हुण असी इस नूं इत्थे तक पहुँचावांगे। महाराज कहंदे ने बिल्कुल मनुख दी ये अज्ञानता, अगले मोए से पाछे परे जो उभरे से बंद लक खरे, जे तंदे मैं होए लपटाए उन ते दुगुण दिड़ी उन माए, ओ बेला कछ चीत ना आवे बिन सजाए ता हूं लपटावे। जदों बंदे अहंकार भरियां गल्लां करदे ने इन्हां नूं मौत याद ही नहीं होती, मौत चेते ही नहीं होंदी भी असी भी तुर जाना। बाणी ते बार बार कहंदी भाई संग चलत है हम भी चलना, दूर गमन तेरे ऊपर मरना, क्या तू सोया जाग ए आना, तैं जीवन जग सच कर जाना। धन गुरु तेग बहादुर जी फरमांदे रे नर ए साची जी धार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत न बार, बारू बीत बनाई रच पच, रहत नहीं दिन चार। तैसे ही ये सुख माया के उर्जो कहां गवार, पर अहंकार विच आया बंदा की कहंदा है, हौ बंदो हौ साधो बैर, मैं इनू बन देंगा, मैं इनू अकल दे देंगा, मैं इनकी अकल टिकाने लिया देंगा, मैं इस तो बदला लवांगा, हमारी भूम कौन कल है पैर, हौ पंडित हौ चतुर सियाणा, करने हार न बुझे बिगाना, ये मूर्ख उस करन हार परमात्मा नू नहीं पछाण। पर गुरुदेव कहंदे ने हे अकाल पुरख जी, अपनी गत मिते आपे जाने, क्या को कह के आक वखाने, जित जित लावें तित तित लगना, अपना भला सब काहू मंगना, सब कुछ तेरा तू करने हार, ये सब कुछ जो दिता होया तेरा दिता, संसार भी जो कुछ हो रहा तेरे हुक्म विच हो रहा, अंत ना ही किछ पारा वार, हे बेअंत परमात्मा तेरा अंत पारा वार नहीं पाया जा सकता। बस मेरी तेरे चरणा विच इको अरदास, दास अपने को दीजे दान, मैं तुहाडा सेवक हाँ, मैनू इको दान देना कर, मेरी झोली विच एक बख्शिश पाओ, कबू न बिसरै नानक नाम, मैनू कदे तुहाडा नाम ना भुले। तो इस पावन शब्द दी सरल शब्दावली नू समझ लैण तो बाद अज्ञानी जीव दियां अखां खुल जांदियां, मैनू तुहानू सभना नू ये प्रेरणा मिलदी है, भाई ये संसार मुसाफरखाना है, इत्थे कदे भी कोई सदा टिके नहीं रहा, इत्थे अहंकारी बंदे नू कोई थां नहीं। पातशाह ते कहंदे ने जे तुसी सदा जिउंदे रहना चाहुंदे हो मेरी सलाह मन्नो, जब लग दुनिया रही है नानक, किछ सुनिए किछ कहिए, पाल रहे हम रह न पाया, जीव ते अमर रही है। भाई जिन्ना समा परमात्मा ने रहन लई दित्ता उन्ना ही रहना, पर जितना समा रहना कुछ परमात्मा की उस्तत करो, कुछ सुनो, ते अहंकार छड़ो, ते अठे पैर उसका सिमरन करो, जिमें गुरु अर्जुन देव पातशाह आप बेनती कर, दास अपने को दीजे दान, कबू न विसरै नानक नाम। नानक जी फरमाते ने अपने दास नू दान देना करो कि मेरे मनो कदे भी तुहाडा नाम ना भुले, और मैं इहो जिहियां अहंकार भरियां गल्लां कदे भी ना करां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।